Now, condition for which two points lie on same or opposite side of a given line. Condition for two points lie on same or opposite side of a given line. Okay, so let's start. मान लिया कि ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. मान लिया कि ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अब ये कोई पॉइंट हमने लिया एक्स वन वाई वन और ये कोई पॉइंट लिया बी एक्स टू वाई टू. ये कोई पॉइंट हमने पी मान लिया. मान लिया हम जो प्रूफ करने जा रहे हैं वो ये मान के चल रहे हैं कि बोथ पॉइंट्स आर लाइंग अपोजिट साइड ऑफ द लाइन. ओके, मींस कि अपोजिट साइड अगर ये पॉइंट लाई कर रहे हैं तो ये रेशियो एम और एन का होगा. कुछ भी रेशियो हम एज्यूम कर ले रहे हैं और पी पॉइंट इन दिस केस एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन एंड एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन. ये हो गया. अब पी पॉइंट इज लाइंग ऑन दिस लाइन सो इट विल सेटिस्फाई. ऑब्वियसली इट विल सेटिस्फाई. तो ए टाइम्स एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन प्लस बी टाइम्स एम वाई टू प्लस एन वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. नाउ टेक एलसीएम ए एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन प्लस बी टाइम्स प्लस सी टाइम्स इज इक्वल टू जीरो. नाउ टेक एम कॉमन. तो एम कॉमन लिया तो आया ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी प्लस एन कॉमन. तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अब आप देखते जाइएगा यहाँ पर हमें कैसे कंडीशन इसको प्रूव करना है. अब हमने लिखा एम अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी. अब जैसा कि हमने कहा कि हम जो प्रूफ कर रहे हैं कि ये पॉइंट सेम साइड या अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं तो ये प्रूफ करने के लिए हमने ये एज्यूम किया है कि बोथ पॉइंट्स आर लाइंग अपोजिट साइड ऑफ दिस लाइन. सो इफ इन दिस केस अगर ये अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं देन एम इज टू एन का रेशियो एम इज टू एन मीन्स पी पॉइंट इज इंटरसेक्टिंग दीज ए बी इंटरनली. सो एम इज टू एन का रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए. एम इज टू एन का रेशियो पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पे आ रहा है एम अपॉन एन इज इक्वल टू माइनस टाइम्स दिस मच. इट मीन्स दिस ब्रैकेट हैज टू बी निगेटिव. एंड ये निगेटिव कब होगा? वेन इफ इट इज पॉजिटिव देन इट विल बी निगेटिव. इफ इट इज निगेटिव देन इट विल बी पॉजिटिव. मीन्स द कंडीशन इज नाउ कंडीशन इज कि ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अगर ये पॉजिटिव है तो ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इट शुड बी नेगेटिव. अगर ये पॉजिटिव है तो इट शुड बी नेगेटिव एंड इफ इट इज नेगेटिव देन इट शुड बी पॉजिटिव. मीन्स वी कैन से इफ अपोजिट साइन आर देयर इफ अपोजिट साइंस आर कमिंग देन पॉइंट्स विल लाई अपोजिट साइड्स.
then points will lie opposite sides. फिर से मैं इस बात को बोल देता हूँ, m upon n is equal to negative आ रहा है, negative आ रहा है, और my, तो इसका मतलब इसको भी negative होना पड़ेगा, और ये कब negative होगा, जब ये negative हो तो ये positive हो, ये positive हो तो ये negative हो, it means opposite sign अगर आएंगे तो point will be lie opposite sides. In the same way, अगर मान लेते हैं कि अगर ये दोनों पॉइंट, इफ बोथ दीज पॉइंट्स, अगर ये दोनों पॉइंट ए बी इधर हो और दोनों ही पॉइंट इधर लाई करें, यहां पे मान लिया कि ये कोई लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और हम यहां पर पॉइंट ए भी इधर ले लें, पॉइंट बी भी इधर ले लें, इन दिस केस पी यहां पर ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, पी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो इन दैट केस एम और एन का रेशियो इट शुड बी नेगेटिव. अगर दोनों पॉइंट सेम साइड लाई करेंगे तो पी पॉइंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, और उस केस में एम और एन का रेशियो नेगेटिव होना चाहिए. नेगेटिव होने के लिए अंदर वाला ब्रैकेट पॉजिटिव होना चाहिए. अंदर वाला ब्रैकेट पॉजिटिव कब होगा कि अगर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी पॉजिटिव है तो ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी भी पॉजिटिव हो, और अगर ये नेगेटिव हो तो इसको भी नेगेटिव होना होगा. कहने का मतलब कि अगर सेम साइन है तो सेम साइड होगा, सेम साइन है तो सेम साइड होगा, और अपोजिट साइन है अपोजिट साइड होगा. इजिली वी कैन लर्न इट, इजिली हम लोगों को ये याद हो सकता है. इस पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल कर लेते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल कि एक एग्जांपल के फाइंड वेदर पॉइंट्स 1, -3 एंड -2, -5 लाई ऑन सेम और अपोजिट साइड ऑफ लाइन 2x + 4y - 3 इज इक्वल टू जीरो. तो सिंपली हमको वो पॉइंट पुट कर लेने हैं. इफ यू विल गेट अपोजिट साइंस देन दे विल लाई अपोजिट साइन, इफ यू विल गेट सेम साइन देन सेम साइड. तो सॉल्यूशन 1, -3 इस पर पुट कर देंगे तो 2 × 1 - 3 × 4 = 12 -3 it is coming negative. Now put -2, -5 put करेंगे तो -4 + 20 - 3 20 - 7 means it is positive. तो एक से negative आया दूसरे से positive, means ये हो गए opposite sides. अब हम लोग कुछ और main points के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एटसेट्रा. ये पॉइंट ए है एक्स वन वाई वन, पॉइंट बी है एक्स टू वाई टू, ये पॉइंट एम, अगर हम मिड पॉइंट की बात करेंगे तो ये रेशियो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. इन दैट केस एम एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू एंड वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू. नाउ कम टू सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड मींस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ intersection point of medians. Median means जो opposite side को bisect करती हैं, called as median.
ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू, सी एक्स थ्री वाई थ्री, तो मीडियन को का इंटरसेक्शन पॉइंट ये ए डी ई, तो बी डी एंड डी सी मीन डी विल बी मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ई विल बी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो जी के कोऑर्डिनेट्स एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन थ्री, सिमिलरली वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री अपॉन थ्री. नाउ कम टू इन सेंटर. इन सेंटर हम एक जनरल ट्राइंगल बना लेंगे, उसमें उसकी साइड्स लिख ले रहे हैं, तो उसी से ही हम इन सेंटर भी लिख लेंगे, सर्कम सेंटर भी एंड ऑर्थो सेंटर ऑल्सो. तो ट्राइंगल हमने ले लिया ए बी सी, कोऑर्डिनेट्स लिख लिए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री. दिस साइड इज स्मॉल ए, सी के अपोजिट स्मॉल सी, बी के अपोजिट स्मॉल बी, ये हमने लिख लिया. ये एंगल बी, एंगल सी एंड दिस एंगल इज ए. तो इन सेंटर मीन्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एंगुलर इंटरनल बाइसेक्टर्स. एंगुलर इंटरनल बाइसेक्टर्स और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी और ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी. नाउ कम टू ऑर्थो सेंटर. हम लोग ऑर्थो सेंटर लिख लें. ऑर्थो सेंटर का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल्टीट्यूड्स. ड्रॉन फ्रॉम वर्टिसेस. और इसके कोऑर्डिनेट्स दैट यू विल हैव टू मग अप. इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वन टेन ए प्लस एक्स टू टेन बी प्लस एक्स थ्री टेन सी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी. सिमिलरली वाई वन टेन ए प्लस वाई टू टेन बी प्लस वाई थ्री टेन सी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी. देन इसके बाद सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर का मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स.
ऑफ साइड्स, और इसके कोऑर्डिनेट्स x1 वन साइन टू ए, एक्स टू साइन टू बी, एक्स थ्री साइन टू सी अपॉन साइन टू ए प्लस साइन टू बी और y1 वन साइन टू ए प्लस y2 टू साइन टू बी y3 थ्री साइन टू सी अपॉन साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी। ये हमने सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर लिख दिए। अब x सेंटर्स भी लिख लेते हैं। एक्स सेंटर्स, एक्स सेंटर्स के लिए हम पहले एक ट्रायंगल बना लेंगे। एक्स सेंटर्स के लिए पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने कोई ए बी सी, ये कोई हमने एक ट्रायंगल बना लिया। एक्स सेंटर्स, एक्स सेंटर्स होता क्या है पहले तो ये समझ लें। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ एंगुलर एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स, अब ए के अपोजिट साइड इसको स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी एंड सी के अपोजिट स्मॉल सी। तो अब हम लोग बात करें इनके बाइसेक्टर्स की, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो B के अगर हम बात करें तो B का इंटरनल बाइसेक्टर तो ये हो गया, C का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर ये हमने मान लिया। C का अब ये तो हो गया दोनों इंटरनल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि ये तो हो गया इन सेंटर। ऐसे ही इस पॉइंट इधर से भी हम बना लेते हैं, ये आ गया। तो अब ये हो गया इन सेंटर, तो ये तो इन तीनों ही लाइन्स से टच करता हुआ जाएगा। अब बात करें एक्स सेंटर्स की, तो ये रहा इंटरनल बाइसेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस दिस वन, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस दिस वन। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, क्योंकि ये ए के अपोजिट है तो इसका इन सेंटर को आई वन से लिखेंगे, इसके इन सेंटर को आई वन से लिखेंगे। एंड दिस विल ऑल्सो टच ऑल दीज थ्री साइड्स, ये इसको भी टच करेगा, इसको भी टच करता हुआ ऐसे ये जाएगा। इसी तरह से C का इंटरनल बाइसेक्टर ये, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ये, इसको आगे और बढ़ा देते हैं हम। A का इंटरनल ये, एक्सटर्नल हमारा ये ऐसे आ जाएगा 90 डिग्री बनाता हुआ, ये आ जाएगा। क्योंकि ये B के अपोजिट है तो इसको हम लोग I2 से लिखेंगे, और ये भी ऐसे टच करता हुआ सभी साइड्स को जाएगा। और सिमिलरली हम इस बात की बात कर लें कि ये ए के अपोजिट भी हम लोगों ने निकाल लिया और बी के अपोजिट भी निकाल लिया, ऐसे सी के अपोजिट भी आएगा आई थ्री, और ये भी तीनों साइड को टच करता हुआ जाएगा। तो अब एक क्वेश्चन हम ऐसे ही आप लोगों से बोल देते हैं कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर विच टचेस ऑल थ्री साइड्स, ऑल थ्री साइड्स, तो आंसर विल बी फोर, एक तो इन सर्कल और बाकी ये तीन मोर सर्कल्स। तो इनको, इनके एक्स सेंटर्स कैसे याद रखने हैं, सबसे पहले तो हम आपको ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं थ्री टाइम्स लिख रहा हूँ, ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री, क्योंकि जहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं होंगे वहाँ पर चीज़ें आपको कैसे लर्न करनी है ये भी एक आर्ट है। ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, देन अगेन ए एक्स वन
प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब हम इसको आई वन मानेंगे, इसको हमने आई टू माना और इसको आई थ्री। अब कैसे इसको, हमने तो यहाँ पर तीनों लिख लिए हैं, सेम लिख लिए हैं, अब इसको कैसे, हाउ टू मगअप, कैसे इसको, हाउ टू मेमोराइज दिस, कैसे इसको याद रखें। आप इस वाले में आई वन वाले में ए वाले को नेगेटिव कर देंगे, ए वाले को नेगेटिव कर देंगे, आई टू वाले में आपको बी वाले को नेगेटिव करना होगा, आपको बी वाले को नेगेटिव करना होगा और इसमें आपको सी को नेगेटिव करना होगा, आपको सी को नेगेटिव करना होगा। तो ये इजीली आपको याद भी हो जाएंगे कि हाँ ये एक्स सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे इसको याद रखने हैं। देन यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न होता है कि ये हमको पता है कि ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉयड दे लाई इन अ लाइन, ये तीनों के तीनों एक लाइन में लाई करते हैं। अब यहाँ पे हम एक सेंटर की को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक सेंटर के बारे में जो कि जनरली जेई में तो उतना नहीं पूछा जाएगा, जेई में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ आपको याद होने में, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है और उस वक्त अगर कहीं पे जरा सा भी कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि मेंस वगैरह में जरा सा भी कहीं कन्फ्यूज़न की कोई गुंजाइश नहीं होती है, कन्फ्यूज़न है मीन्स यू विल हैव टू इमीजिएटली स्किप दैट क्वेश्चन, आपको तुरंत आपको क्वेश्चन छोड़ना होगा। तो चीज़ें आपको दिमाग में जितनी बैठ जाएँ, तो एक सर्कल होता है नाइन पॉइंट सर्कल, आई विल टेक जस्ट वन मिनट फॉर इट, कि ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल के तीनों मिड पॉइंट से डी ई एफ, ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए, और फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स, ये मान लिया पी क्यू आर मीन्स ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, मिडिल पॉइंट तीन पॉइंट हो गए और फीट ऑफ परपेंडिकुलर्स हो गए, और उसके अलावा ये जो ऑर्थो सेंटर बना है, ऑर्थो सेंटर एंड वर्टिसेस के मिड पॉइंट, मान लिया एल, ये मान लिया एम और ये एन, इन नाइन पॉइंट से पास होने वाला जो सर्किल होता है उसको बोलते हैं नाइन पॉइंट सर्किल। जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, आई टोल्ड यू कि आई विल टेक जस्ट वन मिनट। अब इसको हम क्यों कर रहे हैं, ONGC ईजिली दिस वर्ड यू कैन मेमोराइज, ये आपको ईजिली याद हो सकता है ONGC। अब होता क्या है, O स्टैंड फॉर ऑर्थो सेंटर, N फॉर नाइन पॉइंट सर्किल, G फॉर सेंट्रॉयड एंड C फॉर सरकम सेंटर। ये चारों पॉइंट आपस में इक्वल डिस्टेंसेस पर होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पर मीन्स ये 1:1:1 का रेशियो होता है। अब अगर हम नाइन को हटा दे तो इट दिस विल रेशियो विल बी 2 एंड दिस रेशियो विल बी 1। तो अब यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सेंट्रॉयड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इन द रेशियो 2:1। अब स्लोप ऑफ अ लाइन एक्स ओरिजिन वाई, ये हमने कोई भी एक लाइन ले ली। हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी लाइन का जो एंगल, जो स्लोप लेंगे वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे, मींस ये एंगल, मतलब कहने का कि इफ द लाइन इज लाइक दिस तो एंगल ये लेंगे, ये वाला एंगल नहीं लेंगे,
ये एंगल कहलाएगा स्लोप उसका। तो हमने कोई पॉइंट ए ले लिया एक्स वन वाई वन, बी पॉइंट एक्स टू वाई टू, वही पुराना फिगर आपका, ये डिस्टेंस एक्स टू माइनस एक्स वन, ये डिस्टेंस वाई टू माइनस वाई वन, ये एंगल मान लिया कि ये एंगल थीटा है तो दिस विल ऑल्सो बी थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी को हम लोग m स्लोप से लिखते हैं।